गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, क्लास टेंथ। लेसन फिफ्थ कंप्लीट होने के बाद चलिए लेसन सिक्स देखते हैं, द न्यू प्लेयर इन द टीम। इस लेसन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन अब तक ना के बराबर पूछे गए हैं। जो पूछे गए हैं, जो आईएमपी कह सकते हैं, वो केवल ये तीन क्वेश्चन ही मोस्टली मुझे लगता है कि अगर बनेंगे तो इन तीनों में से ही बन सकते हैं। बट अभी तक लीस्ट 2009 में ही इस लेसन से क्वेश्चन आए थे, इसके बाद ना पहले आए ना बाद में आए। पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर सकते, बट फिर भी जो एग्ज़ाम बेस्ड हम कह सकते हैं इन्हें, इनमें से ही कोई सब भी क्वेश्चन बनेगा अगर बना तो। ठीक है, इतना तो करना बनता है। अगर एक लेसन आया है तो उसको पढ़ना और उससे दो तीन क्वेश्चन को निकालना तो बनता ही है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चैलेंज बिफोर ममता। ममता के सामने क्या चैलेंज था। द रिमार्क्स ऑफ शबा एंड रीमा दैट इफ ममता वाज टेकन इन द टीम दे वुड नॉट बी एबल टू विन द इंटर स्कूल ट्रॉफी वाज ए चैलेंज बिफोर ममता। तो इंटर स्कूल ट्रॉफी जीतना ही ममता के आगे एक चैलेंज था, क्योंकि ये रिमार्क शबा और रीमा नाम की दो लड़कियां उससे ये कहती रहती थीं, क्योंकि वो उससे एक तरीके से तो रहता है सेल्फ एगोडिज्म में, लोग बाग एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए इंपीरियर सुपीरियर का फीलिंग्स रहता है, तो यही उनके बीच था। तो उनको ट्रॉफी जिताना एकमात्र उसका, स्कूल को इंटर स्कूल ट्रॉफी जिताना ही चैलेंज था ममता के आगे, और उस चैलेंज को उसने पूरा भी किया। इस लेसन को जब हम पढ़ेंगे तो लगेगा कि कैसे एक आउट ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब जो कंफर्ट एटमॉस्फेयर होता है एक सिटी स्कूल का, उसमें कैसे एक बच्ची, ग्रामीण क्षेत्र की, पिछड़ा क्षेत्र की, बैकवर्ड एरिया की बच्ची कैसे उसमें अपने आप को मैनेज करती है और सबकी चहेती वो बन जाती है। इसी थीम पर ये बेस्ड लेसन है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट मेड ममता विन द रेस। किस माध्यम से रेस को जीता ममता ने। सी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैम्पियन वुड हेल्प हर सम हाउ इन हर बास्केटबॉल गेम, दिस फीलिंग मेड हर विन द रेस। कि उसको जीतना है। सी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैम्पियन, उसने महसूस किया कि वो तो स्कूल चैम्पियन के विरुद्ध जीती है, इसी की मदद से उसको सहायता मिली बास्केटबॉल गेम। दिस फीलिंग मेड हर विन द रेस, और यही फील, क्योंकि उसको तो अभी इससे भी बड़ा काम करना था, ये भावना उसके अंदर रही और वो रेस जीत गई। हाउ वाज ममता एबल टू चेंज हर इमेज इन स्कूल। कैसे ममता ने अपना जो एक धारणा बन गई थी उसके विरुद्ध स्कूल में, उसको कैसे बदला। ममताज विनिंग द रेस, ममता के द्वारा रेस जीतना से, ममता के द्वारा रेस जीत जाने पर उसकी, ममता की जीत से ही स्कूल में जो उसकी छवि थी वो परिवर्तित लोगों के बीच हो गई। सब लोग उसका रिस्पेक्ट करने लगे, सब लोग उसका लव करने लगे, केयर करने लगे, है ना। तो यही है अचीवमेंट, जब लोगों पर अचीवमेंट्स आते हैं तो सब रिस्पेक्ट करने ही लगते हैं। यही ममता के साथ हुआ, इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए और जो एम है उन्हें गेट करने के लिए बिल्कुल जोर लगाते रहना चाहिए और कुछ ना कुछ नया अचीव करने के लिए हमेशा प्रयास करते ही रहना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब हमारा सिलेबस लगभग
अच्छा खासा एक हेल्दी लेवल पर पहुंच चुका है। तो अब इसको थोड़ा स्टॉप रखेंगे क्योंकि लेसन 6 तक बहुत होता है। अब कोशिश ये रहे सभी स्टूडेंटों की कि लेसन 6 तक जो मोस्ट VIMP क्वेश्चन आपको नोट डाउन कराए गए हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। इसके साथ साथ जो एप्लीकेशंस आपको अवेलेबल कराई गई हैं वो एप्लीकेशन और बंडल ऑफ साइंस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।